भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने दिल्ली सरकार की आपकारी नीति के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कुलजीत चहल ने बताया एमसीडी ने करोलबाग के कीर्ति नगर के शराब का ठेका सील कर दिया। साथ ही दिल्ली सरकार पे आरोप लगाया कि केजरीवाल की सरकार ने शराब के ठेके के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला किया। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज प्रेस वार्ता रखी गई है। माननीय महामंत्री और एनडीएमसी के मेंबर कुलजीत चहल भी अपनी बात रखेंगे तथ्यों के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। हमारे साथ मेयर राजा इकबाल सिंह हैं, हमारे साथ हमारे उपाध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी हैं, मीडिया प्रमुख नवीन को। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। मैं महामंत्री कुलजीत चहल जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। कुलजीत चहल जी, आज इस प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के नेता प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी, नॉर्थ एमसीडी के महापौर राजा इकबाल जी, हमारे मीडिया के हेड स्वयं के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नवीन जी और रघुवंशी जी, ऐसे हमारे सभी साथियों, आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एक लंबे समय से सीलिंग को लेकर एक आंदोलन कर रही है। सीलिंग पर जो आंदोलन कर रही है वो लड़ाई इस जंगल राज से जनता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। मैं जंगल राज इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से दिल्ली को शराब की नगरी बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने और उसकी पूरी टीम ने हजारों करोड़ का घोटाला किया, वो सबके सामने उजागर हो चुका है। साथियों, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष और मैं हमने करोलबाग में कीर्ति नगर में एक शराब का ठेका सील किया था, जिसको आप सबके माध्यम से उसकी कवरेज भी मिली। पार्टी के अध्यक्ष जी और मैं था और हमारे बाकी तमाम साथी थे, उस ठेके को सील किया। आदेश गुप्ता जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष और सभी नेताओं ने बार बार कहा है कि दिल्ली में जो शराब के ठेके खुल रहे हैं वो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में खुल रहे हैं, वो मास्टर प्लान का वायलेशन कर रहे हैं और उस ठेके को हमने सील किया। जब हमने ठेके को सील किया तो जिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी दलाली ले रखी थी, जिन अफसरों ने उनकी दलाली ले रखी थी, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये इसका ये ठेका ठीक है। पर मैं साथियों, आज इस प्रेस के माध्यम से आपके द्वारा दिल्ली की जनता के सामने रखना चाहता हूं कि एमसीडी ने उस ठेके को अब सील कर दिया है। बस तो यानी जो हम बार बार एक बात रख रहे थे, दोनों के साथ महापौर राजा इकबाल जी भी साथ हैं। साथियों, लगभग 851 के करीब अवैध शराब, 851 के करीब शराब के ठेके खुल चुके हैं, जिसमें 297 के करीब अवैध शराब के ठेके जो नॉन कंफर्मिंग एरिया में है, जिस तरह से हमने इसको सील किया इसी तर्ज पर 297 के 297 जो हमने अपने मेयर्स के माध्यम से, अपने लीडर्स के माध्यम से, अपने बाकी लोगों के माध्यम से स्टडी करा। अरविंद केजरीवाल ने शराब के लाइसेंस ठेकों के बांटने से पहले बिल्कुल नहीं दिया।